नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास लीफ गार्ड का इन्वर्टर आया हुआ है दोस्तों, रिपेयर होने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सोलर इन्वर्टर है और ये दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो डिजिटल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आज, इसकी जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों वो हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें मात्र जो भी फंक्शन इसमें सेट करना है वो इसमें एक बटन के माध्यम से सब सेट करना है दोस्तों। ये डिजिटल है और ये दोस्तों ऊपर वाली जो है वो हाई लो के लिए है और इसका सारा डिस्क्रिप्शन दोस्तों इसमें सब लिखा हुआ है, इसकी ढक्कन के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर दोस्तों। ये आप देख सकते हैं लीफ गार्ड और इसमें सोलर का असेंबल लगा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम आपको दिखाएँगे कि इसकी रिपेयर हमें कैसे करनी है दोस्तों और क्या प्रॉब्लम है। और इसको दोस्तों, हम कस्टमर का कहना है कि इसमें हमारी आउटपुट नहीं दे रही है। इसमें दोस्तों सारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है, इसका फंक्शन सही सलामत से काम हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसकी जो आउटपुट है दोस्तों, ये हमारी सप्लाई वोल्टेज वो हमें नहीं दे रही है। इसमें से कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है। तो हम आपको दोस्तों पहले हम चेक करके दिखाते हैं। तो हमारे पास छोटा सा 12 वोल्ट की बैटरी हम रखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें हम आप सबसे पहले बैटरी कनेक्शन करेंगे और इसकी उसके बाद इसमें देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है। तो ये देख सकते हैं इसकी लाइट, डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है और आपको कैमरा हम नज़दीक करके दिखाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं अभी इन्वर्टर स्विच ऑफ मोड में है। तो दोस्तों, इसे ऑन करने के लिए इसे कुछ देर तक स्विच को पुश करके रखना पड़ता है, लगभग 2 सेकेंड तक, 2 से 3 सेकेंड तक। ये देख सकते हैं, तो इसे अभी हम स्विच को ऑन करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे दोस्तों। अभी हमने इसे चेक कर लेंगे और आपको हम बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे दोस्तों, बिल्कुल नज़दीक से दिखाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको दिखाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, बिल्कुल आपको हम जेन्युइन तरीके से सिखलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी आउटपुट वोल्टेज 216 इन्वर्टर से आउट हो रही है। ये देख सकते हैं, हमने इसे स्विच को ऑन करके रखा हुआ है और हमने इसे 100 वाट का बल्ब इसमें भी कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसकी डिस्प्ले में जो है वो हमारी आउटपुट वोल्टेज शो कर रही है, लेकिन कस्टमर का कहना है कि इसे हमें करंट नहीं मिल रही है। तो देखते हैं कि इसे क्या दिक्कत है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बल्ब हमारी नहीं जल रही है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये रियल में आउटपुट नहीं दे रही है, लेकिन डिस्प्ले में इसको इसमें शो हो रहा है। फिर से आएगा दोस्तों, ये हर वर्क जो है दोस्तों वो सब चीज़ डिटेल में ये डिस्प्ले में बताती है, बैटरी चार्जिंग से लेकर के बैटरी हमारी कितनी वोल्ट बची हुई, कितनी वोल्ट हमारी चार्ज है दोस्तों, सारा इंडिकेशन डिस्प्ले के माध्यम से इसमें होता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को आप पूरा देखें और बिल्कुल पूरा वॉच करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी हम कवर खोल लेते हैं और कवर निकालने के बाद देखते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, हमने इसे कवर खोल लिया है दोस्तों। इसकी जो स्क्रू है, कस्टमर ने इसे खुद से खोल कर रखा हुआ था, तो हमने इसे कवर खोल करके, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है सोलर वाली कनेक्शन है दोस्तों। ये रेड और ब्लैक जो भी है वो हमारी सोलर की कनेक्शन है। और दोस्तों, कस्टमर इसमें सोलर से ऑपरेट अभी नहीं करवा रहा है, उसका कहना है कि मैं सोलर से नहीं चलाता हूँ, मैं केवल लाइन से यूज करता हूँ इसको। तो इसको खोल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी सबसे पहले हम आपको इसकी मल्टीमीटर के दोस्तों आपको 600 वोल्ट की रेंज में रख लेना है और आउटपुट में देखना है दोस्तों। इसे हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं इसमें कोई भी वोल्ट आउटपुट नहीं है। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहले हम अब इसकी पीसीबी को हम बाहर कर लेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, हमारी वीडियो जब भी हम बनाते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए दोस्तों हमने वीडियो को थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दिया है, यहाँ पे स्पीड कर दिया है ताकि कीमती समय मैं आपका ना लूँ और आपको मैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सिखाने का प्रयास करूँ दोस्तों। मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि
ये जानकारी किसी तरह से आप तक पहुंचाई जाए। तो मैं हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों बार बार कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, और जब भी देखें हमारी वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, ताकि आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट जो है दोस्तों बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। और इस तरह की काम दोस्तों आप खुद से अपने घर पर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमने इसकी सारी स्क्रू निकाल लिया है, अभी भी फिर भी निकल नहीं रहा दोस्तों, कहीं और कहीं स्क्रू कहीं फंसा हुआ है क्या, मुझे देखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं एक स्क्रू और फंसा हुआ है दोस्तों, तो इसे भी हम खोल लेते हैं, और खोलने के बाद पीसीबी को हम बाहर निकालेंगे दोस्तों। इसमें थोड़ी सी बर्न जैसी लग रही है दोस्तों, थोड़ी एक कनेक्टिंग है, कनेक्टर है दोस्तों जो कि आउटपुट में लगा हुआ है, वो लग रहा है जला हुआ। अभी हम आपको इसको नज़दीक करके दिखाएंगे, तो वहाँ से भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो हमारी आउटपुट वोल्टेज जो डिस्प्ले में दिख रही थी वो नहीं दिखाई पड़ती दोस्तों, 215 वोल्ट जो आउटपुट शो कर रही थी वो नहीं करती। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल कैमरे को नज़दीक करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, कैमरे को मैं सामने कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरीके से दिखाई पड़ जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों जो आउटपुट तार है दोस्तों येलो कलर की, ये हमारी आउटपुट कनेक्शन के लिए है दोस्तों, और ये जो ब्लैक है ये हमारी ग्राउंड है, और रेड और ब्लू जो है दोस्तों ये हमारी इनपुट है, और ये जो है दोस्तों येलो ये हमारी आउटपुट के लिए है, और ऑरेंज और दोस्तों ब्राउन में जो है वो हमारी चार्जिंग के लिए है। ये देख सकते हैं हमारी इसकी जो 5-पिन सॉकेट में लगी हुई दोस्तों येलो कलर की, ये देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट के लिए है। तो दोस्तों ये जली हुई है इसकी सॉकेट इसकी पिन में, तो दोस्तों हमें इसकी पिन को हम काट लेंगे, ये देख सकते हैं आप, और इसकी रिपेयर कैसे करनी है दोस्तों। दोस्तों अगर आउटपुट में अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, अगर आपकी बर्न नहीं हुई है तो ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों रिले का भी हो सकता है, रिले अगर फॉल्ट हो जाए तो हमारी आउटपुट बंद हो जाएगी दोस्तों। और इसमें जो 909 का इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दोस्तों, ये हमारी चेंज ओवर के लिए है, तो हमने इसे येलो वायर को आउटपुट वायर को काट लिया दोस्तों, और इसमें हम एक जम्पर जोड़ देंगे। इसकी कनेक्टिंग तो जल चुकी है दोस्तों, तो इसकी हम डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे, पीसीबी की उल्टी भाग में हम सोल्डिंग करेंगे दोस्तों। 1 mm की तार लेना है, और तार लेने के बाद हम सोल्ड करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं हमने इसे सोल्ड किया हुआ है, ये देख लीजिए, इसकी सोल्डिंग दोस्तों। इसमें सारा घर का लोड रहता है दोस्तों, इसलिए जब भी सोल्ड करें तो बढ़िया से ही सोल्ड करें दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह से जानकारी अब तक जो भी वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँचे। तो इसे हम सोल्डिंग कर देंगे दोस्तों, इसकी जम्फर जो है इसे हम सोल्डिंग कर देंगे, और सोल्डिंग करने के बाद इसमें हम स्लीविंग कवर लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर देंगे ताकि आपकी समय हम व्यर्थ ना जाने दें। तो हमें इसमें सोल्डिंग कर देंगे, और सोल्डिंग करने के बाद इसमें स्लीविंग कवर चढ़ाएंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये लीफ गार्ड कंपनी की इन्वर्टर है। और दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ होती है तो आप इसे घर पर रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस लाइन में अगर आप काम करते हैं दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप हमारी वीडियो को हमारे चैनल में अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से हर तरह की वीडियो अब तक आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और हमारे पास जो भी रिपेयर होने के लिए आती है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी वीडियो बना करके आप लोगों तक जल्दी पहुँचाई जाए, और
जानकारी आपको दिया जाए दोस्तों। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि समय नहीं मिलने के कारण दोस्तों वीडियो हम नहीं बना पाते हैं एक दो दिन, क्योंकि मैं जो अपने वर्कशॉप में दोस्तों स्टाफ नहीं रखा हूँ, तो जो भी है दोस्तों मैं खुद से वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसकी अब जम्फर हमने कर दिया दोस्तों, जॉइंट सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब मैं इसे कंप्लीट एक बार फिर से सेट करके देखता हूँ प्रॉब्लम हमारी दूर हुई है या अभी भी बाकी है। तो जो भी कनेक्टर जहाँ पे थी मैं वहीं पे उसको टाइट कर दूँगा। और दोस्तों जब भी आप फिटसिंक में टाइट करते हैं ट्रांसफार्मर वाली वायर को दोस्तों, ये सेकेंडरी वायर को, तो आप उसको पूरा टाइट कीजिएगा, उसको लूज नहीं रखना है दोस्तों, ढीला नहीं रखना है, नहीं तो हमारी मॉस्फेट ख़राब हो सकती है। ये देख सकते हैं ये हमारी 12 वोल्ट के लिए है दोस्तों, ये साइन वेव इन्वर्टर है और बहुत ही अच्छी वर्क करती है दोस्तों। इसमें हम फिर से एक बार 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, ये हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दिया हुआ हूँ दोस्तों, तभी भी हमारी लाइट नहीं जल रही है, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसमें आउटपुट मल्टीमीटर के माध्यम से चेक कर लेंगे हमारी आउटपुट आ रही है या नहीं, ये देख सकते हैं दोस्तों। अभी तक हमारी आउटपुट नहीं आई है, ये देख सकते हैं। अब इसमें देखना है दोस्तों कहाँ से ये फॉल्ट है और क्यों नहीं आ रही दोस्तों। अब हम इसे फिर से एक बार खोल लेंगे और पीसीबी को बाहर निकालेंगे दोस्तों, और ये दोनों रिले है ये देख सकते हैं, यहाँ पे दो रिले है, ये दोनों रिले को भी हम चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस पीसीबी को हम बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद हम ट्राई करेंगे दोस्तों एक बार फिर से। इसे हम एक बार लाइन, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी बल्ब अभी जो जली हुई है, ये हमने एसी कनेक्ट किया हुआ है, मेन लाइन हमने दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारी डीसी से नहीं जल रही दोस्तों। ये देख सकते हैं 185 वोल्ट दोस्तों, ये हमारी एसी से कनेक्ट हुआ है और एसी में जल रही दोस्तों, लेकिन हमारी बैटरी से इसकी आउटपुट बंद है। तो दोस्तों ये फॉल्ट हमारी रिले से भी हो सकती है, और हमारे यहाँ से तो बिल्कुल ओके है दोस्तों। तब मुझे फिर से इसे खोल लेना है, और खोलने के बाद हम पीसीबी को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद फिर हम देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम जितने भी स्क्रू हमने कसा हुआ था खोल लेता हूँ, और जो भी होगा दोस्तों बिल्कुल आपके सामने रिपेयर करेंगे, जो भी फॉल्ट होगा बिल्कुल हम आपके सामने रखेंगे इसको। तो दोस्तों इसकी कनेक्टर जो भी बंधी हुई है हम इसकी लॉक को खोल देंगे, ताकि आसानी से हमारी पीसीबी बाहर निकल जाए दोस्तों। ये काम बिल्कुल जब भी निकालें पीसीबी को, तो आप सारी लाइन काट दें, बैटरी का कनेक्शन खोल दें दोस्तों, नहीं तो फिर हमारी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसलिए जब भी इसे चेक करेंगे तो आप एसी का कनेक्शन भी आपको निकाल लेना है, और मेन कनेक्शन भी निकाल लेंगे, और बैटरी का कनेक्शन भी छोड़ा देंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं जो भी हमने जम्फर लगाई हुई थी दोस्तों, इस जम्फर को हम खोल लेना है, और इसकी रिले जो है उसे हम चेक करेंगे। ये रिले हम चेक कर लेंगे दोस्तों। तो आपको मल्टीमीटर लेना है, इसमें दो रिले लगे हुए हैं, एक इनपुट के लिए है दोस्तों जो कि फेस चेंज ओवर की काम करती है। तो आपको मल्टीमीटर को बजर की रेंज में सेट करके रखना है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी रिले बिल्कुल दोनों रिले ठीक बता रही है, कहीं से भी कोई ख़राब नहीं है दोस्तों। इसमें एक प्रॉब्लम था जो मुझसे ही मिस हुआ था, मुझे अभी समझ में आया दोस्तों, दोनों रिले ठीक है, जो कि हमने दो नंबर पिन पे
सोल्ड किया हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं दो नंबर पिन में हमने पहले सोल्ड किया हुआ था, जो कि हमारी आउटपुट पिन एक नंबर की है। फिर से एक बार आपको हम रिले टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार, और रिले ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों हमारी इनपुट में हमने कनेक्शन जोड़ के रखा हुआ था, जिसके कारण दोस्तों हमें डीसी से आउटपुट नहीं मिल रही थी, तो इसमें हमारी कनेक्शन नहीं होगी दोस्तों। हमने फर्स्ट में इसी में सोल्ड करके रखा हुआ था इसे, जो कि मिस्टेक खुद मुझसे ही हुआ था जल्दबाजी के कारण दोस्तों। तो ये दूसरी नंबर पिन में हमारी सोल्डिंग नहीं होगी, ये हमारी इनपुट के लिए है दोस्तों, और हमारी एक नंबर पिन पे सोल्डिंग होगी जो कि हमारी आउटपुट के लिए है, ये देख सकते हैं। अब मुझे इसमें दोस्तों हम फिर से एक बार सेट कर लेंगे पीसीबी को। ये हमारी दो नंबर दोस्तों इनपुट के लिए है, और तीन नंबर पिन दोस्तों हमारी ग्राउंड है, तो इसे हम जैसे था दोस्तों वैसे हम फिर से एक बार इसे सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद हम फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये प्रॉब्लम हमारी पहले ठीक हो जाती, लेकिन किसी कारणवश दोस्तों हमने सोल्डिंग दो नंबर पिन पे कर दिया था। तो दोस्तों ऐसी गलती आप ना करें, और ऊपर से जिस नंबर पे आप तार काट देंगे दोस्तों उसी नंबर पे नीचे से सोल्डिंग करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी हम इस पीसीबी को हमने इसकी जगह पे सेट करके दो स्क्रू फंसा देंगे दोस्तों, ताकि अपनी जगह से ना हिले, और जैसे था कनेक्शन दोस्तों। ये हमारी बैटरी 12 वोल्ट के लिए है, और एक हमारी सोलर के लिए है दोस्तों। इसे हम टाइट कर लेंगे दोस्तों। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ अगर सीखने को मिलता है दोस्तों, तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, और साथ में दोस्तों अपने और भी भाइयों के लिए शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कम से कम अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए रोज़ कुछ न कुछ जानकारियाँ लाते रहता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। भी मैं वीडियो बनाता हूँ डीजे रिलेटेड से भी, मैं मेरा वीडियो है दोस्तों। अगर डीजे रिलेटेड से अगर कोई भी वीडियो कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों स्पीकर रिपेयर या एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो फिर दोस्तों डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मैं ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वायर है उसे मैं टाइट कर रहा हूँ दोस्तों, और एक बचा हुआ है जो कि हमारी सोलर के लिए है। अब मैं उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करूँगा, देखता हूँ प्रॉब्लम दूर हुआ या नहीं। तो ये हमारी फिट हो चुकी है, अब मैं ये 12 वोल्ट बैटरी में जोड़ूँगा दोस्तों कनेक्शन, आप देख सकते हैं कैमरा को मैं बिल्कुल नज़दीक करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं दोस्तों डीसी से हमारी बल्ब ऑन हो चुकी है, ये सुन सकते हैं जब भी हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ़ कर रहे हैं उसमें से बीप की आवाज़ दोस्तों। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जब भी आप इसे ऑन करें या ऑफ़ करें तो बीप की आवाज़ आपको मिलेगी, ये देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल कैमरे को हम नज़दीक करेंगे तो ये देख सकते हैं, हमने अभी इन्वर्टर को ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं हमारी इन्वर्टर ऑन करते ही हमारी बल्ब जल चुकी है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।